तो मैं यहाँ पे आज लाइव हूँ आप लोगों को ये बताने के लिए कि जियो का प्राइम ऑफर कल से लाइव होने वाला है और आप लोगों को इस प्राइम ऑफर के तहत क्या क्या मिल सकते हैं और आप इसको किस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन, आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। और अगर आप इन्हीं सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब के चैनल पर, तो यूट्यूब पर जाकर पवन ओझा टेक सर्च मारें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो कल मॉर्निंग या इवनिंग तक यूट्यूब के चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, मेरा फेसबुक का लिंक है पवन ओझा टेक, तो आप वहाँ भी मुझे जाकर लाइक कर लीजिए। मैं जो आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो जियो प्राइम और 156 रुपये में मोबाइल देने वाली कंपनी के बारे में और इसके साथ साथ 251 फ्रीडम के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जियो ने जिस तरीके से मार्केट में आकर धमाल मचाया है और आगे भी धमाल मचाने के बारे में सोच रही है, और भी कुछ मुकेश अम्बानी जी के ऐसे ऐसे प्लान्स हैं जिनके तहत बहुत लोगों को नुकसान झेलना पड़ सकता है और बहुत लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा इससे। तो मुकेश अम्बानी जी का कहना है, ये र्यूमर्स हैं कि क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि अगर फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, तो जानकारी के हिसाब से ये बात हुई है कि जियो एक नई कैब सर्विस चालू करने वाली है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर ये सर्विस चालू हो जाती है तो इसके तहत ओला, उबर और कार या टैक्सी वालों को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है और हो सकता है कि उन्हें इस चीज़ को लेकर बहुत ही बड़ा नुकसान हो और पता नहीं क्या क्या हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है कि माई जियो का या फिर जियो कैब सर्विस जो है वो लॉन्च होती है कि नहीं होती, कि ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ रूमर्स हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जियो ने DTH सर्विस, ब्रॉडबैंड सर्विस, वाईफाई सर्विस और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर तो धमाल मचाया ही है, और इसी के तहत जियो ने 99 रुपीज़ का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि 99 का रिचार्ज कराने के बाद आपको साल भर के लिए फ्री में डेटा मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको 99 के रिचार्ज के बाद हर महीने साल भर तक 31 मार्च 2018 तक आपको 303 रुपये के रिचार्ज कराने पड़ेंगे, और इन्हीं 303 रुपये के रिचार्ज कराने के बाद आपको जो अभी हैप्पी न्यू ईयर का जो ऑफ़र है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। तो अगर आप जियो से सेटिस्फाई हैं और जियो के नेटवर्क का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने माई जियो ऐप से या myjio.com या फिर नज़दीकी रिटेलर के पास जाकर 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब इस 99 के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको 1 महीने तक तो फ्री में मिलेगा ही डेटा, उसके बाद आपको 303 रुपये का हर महीने का रिचार्ज जो है वो अनिवार्य होगा कराना। और इस 303 रुपये के रिचार्ज के बाद आपको डेली के जो 1 GB जो लिमिट डेटा है वो आपको मिलेंगे, उसके बाद 128 KB तक का डेटा जो है वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप 303 रुपये का रिचार्ज नहीं कराना चाहते तो आप करा सकते हैं 301 रुपये का रिचार्ज। जी हाँ, 301 रुपये के रिचार्ज पर आपको 3 GB डेटा मिलेगा जो कि 28 दिनों की वैलिडिटी होगी, और 149 रुपये का रिचार्ज कराने पर आपको 2 GB डेटा 28 दिनों के लिए और साथ ही साथ वॉइस कॉल जो है वो फ्री मिलेगी। वैसे तो जियो ने अपने सभी जो भी ऑफर्स हैं सारे ऑफर्स में वॉइस कॉल को फ्री कर दिया है, तो आपको वॉइस कॉल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि इन रिचार्ज के तहत हिडन चार्ज जो मुकेश अम्बानी जी ने लगाया है वो कह सकते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा दूसरे सर्विस की तरह या दूसरे टेलीकम्युनिकेशन के तरह आपको बैलेंस या टॉक टाइम रिचार्ज अलग से नहीं कराना होगा, आपको उसी में टॉक टाइम का भी ऑफर मिलेगा और डेटा भी मिलेगा। तो बेस्ट पॉसिबल है कि अगर आप 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, और उसके बाद आप 11 रुपये का एड ऑन रिचार्ज करके 100 MB तक का डेटा ले सकते हैं। उसके बाद
₹51 के रिचार्ज के साथ आपको 1 GB का डेटा मिलेगा। उसी तरीके से ₹91 या 99 के रिचार्ज के साथ आपको 2 GB का डेटा मिलेगा। इसी तरीके से 9,999 तक के डेटा जो है, डेटा पैक्स अवेलेबल हैं। तो आप अगर चाहते हैं और आप लखपति करोड़पति हैं तो ले सकते हैं ₹999 का रिचार्ज। ₹999 के रिचार्ज के साथ आपको साल भर के लिए 750 MB का डेटा मिलेगा, वो भी हाई स्पीड डेटा। तो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जियो प्राइम का ऑफ़र ले लें और ₹303 का रिचार्ज कराएं। वैसे भी अगर आप अदर सर्विस पर ₹303 या ₹298 का रिचार्ज करते हैं तो आपको 2 GB या 3 GB 3G 4G डेटा मिलते हैं। हाँ, आइडिया का एक ऑफ़र था 298 में भी, या फिर कम का होगा तो आप कमेंट करके बता दें कि कितने का ऑफ़र था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें आपको 10 GB तक का 3G और 4G डेटा मिलता था। तो वो ऑफ़र उतना किफ़ायती नहीं था, लेकिन फिर भी आइडिया एयरटेल की तो सर्विस बहुत ही अच्छी है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो कुछ लोग लाइव हो रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। वीरेंद्र शाहू भाई वेलकम, योगेश साहू भाई वेलकम, राजेश सोनी जी सर नमस्ते, सुनील राठौर, अविनाश देवांगन, रिशु भाई, सभी का वेलकम है। तो ये सारी ऑफर्स थी। और उसके बाद ₹156 में अभी रिसेंटली टेक्निकल गुरु जी और भी बहुत से यूट्यूबर और पत्रिका जैसे न्यूज़ मीडिया पर मैंने पढ़ा था कि आपको ₹156 में 4G मोबाइल वो कंपनी देने का वादा कर रही है। तो जिस तरीके से 251 फ्रीडम, नमोटेल और वोडोक्स करके कंपनी थी, ये सारी कंपनियां बहुत ही कम रेंज में 4G और अच्छे मोबाइल्स जो है वो प्रोवाइड करने का वादा किया था, उसी तरीके से यूबोटेल शायद कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो कंपनी भी जो है ₹156 में मोबाइल देने का वादा किया था। और इसका प्री बुक जो है वो आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 28 फरवरी तक कर सकते थे। जी हाँ, आज ही का डेट लास्ट था, लेकिन आज मैंने उस वेबसाइट पर विजिट किया और जाकर देखा तो पता चला कि उस वेबसाइट पे प्री बुक ऑफर जो थे वो क्लोज हो चुके थे। मतलब इस टाइप्स के जो भी मार्केट में खबर आते हैं, जो भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, ये सारे लोगों को अपने कंपनी के प्रति अट्रैक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। और इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं लोगों को बहला फुसला कर या फिर कुछ भी है झूठा साबित करके लूटा जाना या कम प्राइस में मोबाइल देने का वादा करना, तो एक तो खुद भी वहाँ पे भाई कौन है जो एंग्री का साइन दे रहा है, सूर्यकांत प्रधान सूर्य भाई लाइक दे दो, एंग्री मत दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज योर मोस्ट लाइक्ड लाइव वीडियो एट। ओके, तो फेसबुक के द्वारा नोटिफिकेशन भी मुझे मिलने चालू हो गए हैं। तो वही चीज़ें हैं कि ₹156 में मोबाइल देने का वादा, ₹251 मोबाइल देने का, ₹501 में, ₹430 में, आई डोंट नो वॉट दे वॉन्ट टू डू विथ ऑल कंज्यूमर एंड कस्टमर्स। तो खैर, ऐसी न्यूज़ के बारे में आप ना ही पढ़ें और उन सारे वेबसाइट पर जाकर क्लिक ना करें तो बेटर होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आपको कुछ दिनों पहले या ग्रुप में हो या पर्सनल आपको मैसेज मिल रहे हो कि जियो का थैंक यू ब्रो, अरे मेंशन नॉट सूर्यकांत जी, चलता रहेगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ पे भी आपको बहुत से टेक न्यूज़ और अच्छी अच्छी जानकारियाँ जो है वो मिलती रहेगी। तो कुछ दिनों पहले आप लोगों को हो सकता है कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आ रहा हो कि जियो का जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो रहा है और इसी के तहत आपको कुछ पैसे के रिचार्ज कराने होंगे अगर आप आगे जियो के साथ बने रहना चाहते हैं। तो इन मैसेज पर ध्यान ना दें और उस पर दिए हुए लिंक्स पर तो बिल्कुल भी क्लिक ना करें। जो भी मैसेजेस हैं, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, वो जियो के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर या जियो के myjio.com पर आपको नोटिफिकेशन या आपके ईमेल सब्सक्रिप्शन के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इन सारे न्यूज़
को, इन सारे मैसेज को इग्नोर कीजिए, और फ्रॉड या किसी भी तरीके से ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। और हो सके तो व्हाट्सएप कोई भी लिंक आए, चाहे वो रिचार्ज से रिलेटेड हो, चाहे वो टी शर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो अमेजोन के ऑफर से रिलेटेड हो कि आपको 599 रुपये में शाओमी का रेडमी नोट 4 देने का वादा हो, लेनोवो K5 का बात हो, कुछ भी चीज़ें हो, व्हाट्सएप पर कुछ भी लिंक आए तो उन लिंक्स पर क्लिक ना करें, और क्लिक कर रहे हैं तो थोड़ा अवेयर होकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप अगर उस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर अपना कोई लॉगिन आईडी पासवर्ड कुछ चीज़ें जो है वो ना दें। ये चीज़ें आप लोगों के लिए हार्मफुल साबित हो सकती हैं, और हो सकता है कि आपके पर्सनल डेटा किसी भी द्वारा या फिर किसी भी के द्वारा जो वो चुराया जा सकता है, तो इट वुड बी हार्मफुल फॉर योर डेटाज एंड ऑल द मोबाइल। तो इन सारी चीज़ों से बच कर रहें। और किस टॉपिक पे बात करूं, आप कमेंट करते जाइए तो मैं उस टॉपिक पे बात करते जाऊंगा। बात करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है मुझे। डी राजेश राव। श्रीकांत, शेयर योर वीडियो। थैंक यू ब्रो, थम्स अप फॉर यू। तो चलिए, सूर्यकांत प्रधान जी के द्वारा पूछा गया न्यू जनरेशन के बारे में बताइए। तो न्यू जनरेशन की बात कुछ ऐसी है भैया कि न्यू जनरेशन में हम लोगों को बहुत से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिलेंगे। इनमें कुछ टेक्नोलॉजीज ऐसे हैं कि आपको बता दूं कि लगभग अमेरिका में या फिर कहीं और जो है ड्राइवरलेस कार के द्वारा 93% तक एक्सीडेंट्स को जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी पहल होगी। उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बता दूं कि आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में तो ये चीज़ पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया में इस तरीके के प्रोजेक्ट लॉन्च होने में बहुत टाइम लगते हैं। इंडिया वैसे भी दूसरों से ही सीख कर आगे बढ़ती है, और अच्छी बात है। कुछ चीज़ों को लोगों से कॉपी करके करना चाहिए या फिर कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से करने चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा रोड तैयार करने के बारे में सोचा है जो सोलर रोड होगा, और उसके साथ साथ उससे हमें बिजली भी मिलती रहेगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा पहल होगा कि बिजली एक रोड के द्वारा बनाया जाए। और वैसे भी सोलर प्लेट बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो अब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिसिटी भी देती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी इन्वेंशन होगा। और इसके साथ साथ हो सकता है कि आपको ड्राइवरलेस कार भी देखने को मिल जाए। और हाइपर लूप एक ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जिसके तहत आपको 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन जैसी कोई चीज़ होगी, जिसमें आपको 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलेगी। और इस रफ्तार के तहत आप अगर यहाँ से मे बी पॉसिबल पटना जाना चाहें तो आप लगभग 45 मिनट में पटना की दूरी को तय कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। और हाइपर लूप का प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जो है वो
हो सकता है कि इस ईयर के लास्ट तक सर्वे कंप्लीट हो जाए और इंडिया में अहमदाबाद पुणे के बीच या अहमदाबाद मुंबई के बीच इस चीज़ को ट्रायल के रूप में चलाया जाए। और मिनी बुलेट ट्रेन को तो वैसे भी ट्रायल रूप में चला दिया गया है, लेकिन हाइपर लूप सबसे पहले जो लॉन्च होगा या फिर सबसे पहले जहाँ पे इसकी टेस्टिंग होगी वो होगा दुबई, और दुबई पे इसकी सबसे पहले टेस्टिंग होगी और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। तो भाई रफ्तार तो बहुत ही तेज़ होगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो है ओपन सोर्स पर नहीं चलेगा, एक ड्रम या पाइप की तरह इसका प्लेटफॉर्म होगा और उसी प्लेटफॉर्म पर ये जो है रन करेगा। और अगर आपको उसका वीडियो या उसका फ़ोटो देखना है कि वो किस तरीके से दिखता है, तो मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दूंगा और उसके साथ साथ आपको एक फ़ोटो भी जो है अटैच कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हाइपरलूप किस तरीके से दिखती है। तो उसके बाद ये तो हुई हाइपरलूप की बात, उसके बाद आपको जो है और क्या चीज़ देखने को मिल सकता है फ्यूचर में यार, और कोई नया टॉपिक बताओ। न्यू जनरेशन तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप खुद यूसी न्यूज़ पर या फिर फेसबुक पर इतने ज़्यादा एक्टिव हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही होंगी। और ठीक है, न्यू जनरेशन हो गया, उसके बाद और क्या बोलें, सूर्यकांत प्रधान, सूर्या जी अगर आप देख रहे हैं तो और कोई नया टॉपिक दीजिए। ओके, कुछ ने एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने टेक्निकल गुरु जी के यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट किया था। एक बंदे ने मुझसे पूछा कि भाई 10,000 के रेंज पर कौन से स्मार्टफोन लें। मैंने उसे सजेस्ट किया कि भाई शाओमी का रेडमी नोट 4 ले सकते हो, शाओमी का रेडमी नोट 4 जो है वो बेटर है और कैमरा क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी खास है उसकी, सीमोस सेंसर, BSI सीमोस सेंसर के द्वारा उसमें जो है कैमरा का सेंसर दिया गया है, तो कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। उसका फ़ोटो मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का क्वालिटी जो है आपको उसके फ़ोटो में, कैमरा क्वालिटी में देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप जो है वो ले सकते हैं लेनोवो का Z2 Plus, लेनोवो का Z2 Plus भी जो है वो 20,000 के सेगमेंट के अंदर है, और लेनोवो का K6 Power ले सकते हैं, लेनोवो का K6 ले सकते हैं। ये कुछ फ़ोन्स हैं जो आप 10,000 के सेगमेंट के अंदर आते हैं और ले सकते हैं आप इन फ़ोन को। आपको शाओमी के रेडमी नोट 4 पर 2 GB, 3 GB और 4 GB का रैम वेरिएंट के साथ साथ इंटरनल स्टोरेज जो है वो 32 GB, 16 GB और 64 GB के वेरिएंट पर आपको देखने को मिलेगा। स्नैपड्रैगन का 621 प्रोसेसर इसमें दिया गया है जो कि बहुत ही फास्ट वर्क करता है, तो आपको प्रोसेसिंग स्पीड पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी के साथ साथ इसमें 5.5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है, रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल और लगभग 4100 mAh की पावर और बैटरी दी गई है जो कि नॉन रिमूवेबल है। और सिम कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सिम इसमें जो है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा जिसमें आप एट अ टाइम एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या फिर दोनों सिम को यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है तो मुझे नहीं लगता कि आपको मेमोरी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और यही चीज़ें हैं शाओमी रेडमी नोट 4 के बारे में। मोटो G5 और मोटो G5 Plus जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2017 पर बहुत से ऐसे स्मार्टफोन्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं और उनके इवेंट्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स द्वारा वीवो, ओके तो सूर्यकांत जी ने पूछा है वीवो के बारे में, तो वीवो के बारे में आपको बता दूं कि वीवो का V5 सेल्फी के लिए अच्छा कैमरा है, लेकिन अगर उसकी प्रोसेसिंग स्पीड की बात करूँ तो प्रोसेसिंग स्पीड उतनी खास नहीं है कि आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। और क्योंकि आप अगर फ़ोन ले रहे हैं तो सेल्फी के लिए अगर फ़ोन ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मल्टीटास्किंग करना या फिर अच्छे से उस स्मार्टफोन को यूज़ करना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वीवो V5 लेना चाहिए। और वीवो V5 Plus जो है वो अभी अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस फ़ोन में भी डुअल कैमरा जो है वो दिया गया है। आई थिंक शायद आपको पता हो तो 21 मेगापिक्सल का कैमरा है शायद, और 8 मेगापिक्सल या 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो दो कैमरा के साथ आप इसमें जो है फ़ोटो अच्छी ले सकते हैं, लेकिन वीवो के फ़ोन्स को लेकर मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ और उतना ज़्यादा आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वीवो के फ़ोन लें। और बस
वीवो के फ़ोन के बारे में बात ही ना करें तो बेटर है। और अब अगर आप कोई और एक्स्ट्रा जो है अदर फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उस फ़ोन के बारे में भी बता दूंगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ओप्पो ने रिसेंटली अपना लॉन्च किया है A57, और A57 मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली लिया है उस फ़ोन को, और उस फ़ोन की कैमरा क्वालिटी जो है वो अच्छी है, स्पीड प्रोसेसिंग भी अच्छी है, ग्राफिकल इंटरफेस भी जो है उसका काफ़ी अच्छा दिया गया है। देखने में एज इट इज़ आपको लगेगा कि आपने ओप्पो का F1S फ़ोन जो है वो हाथ में रखा है, और फ़ोन में ग्रिप है वो भी बहुत ही अच्छी है, तो आपको फ़ोन रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ साथ आपको अगर ओप्पो में कोई और फ़ोन लेना चाहते हैं तो F1S सजेस्ट करूँगा, और A53 भी जो है वो सजेस्ट करूँगा। इसके साथ ओप्पो ने रिसेंटली 5X नाम का स्मार्टफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च करने के बारे में डिसाइड किया है, और चाइना के अंदर जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो 5X के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले जो LG ने, सॉरी LG सोनी जो भी है, LG या सोनी दोनों में से किसी एक कंपनी ने जो है 2X नाम का फ़ोन अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था, उस स्मार्टफोन में जो है आपको जियोनी, चलिए पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं फिर जियोनी के बारे में बताता हूँ। तो 2X जो फ़ोन था वो रिजोल्यूशन, जूम रिजोल्यूशन के बारे में बात हो रही थी, और उसी के साथ साथ अभी ओप्पो ने 5X नाम का स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च कर दिया है चाइना के अंदर। तो आपको इस स्मार्टफोन के तहत जो इसकी क्वालिटी होगी वो ये होगी कि आप कितना भी जूम कर लें, आपको फोटो जो है वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। और आपने देखा होगा डिजिटल कैमरा या DSLR कैमरास पर कि 16X और 20X, 21X, 15X, 11X, तो ये सारे जो X होते हैं इन X का मतलब ही होता है कि उतने मल्टीप्लाई पर वो जो है किसी भी चीज़ को फोकस करता है। तो 5X का मतलब आपका नॉर्मल अगर फ़ोन है तो नॉर्मल फ़ोन आपका 1X का है तो उससे 4 गुना ज़्यादा किसी भी चीज़ को जूम करके और अच्छी कैमरा क्वालिटी जो है वो देगा, और फ़ोटो भी जो है आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो अब बात करते हैं जियोनी के बारे में। तो जियोनी के रिसेंटली लॉन्च के बारे में तो मुझे नहीं पता है भाई, और अगर आप जियोनी का कोई भी फ़ोन लेना चाहते हैं तो जियोनी का S1S आलिया भट्ट का फ़ोन ले सकते हैं, और बस जियोनी के बारे में मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, और जियोनी के बारे में उतना ज़्यादा न्यूज़ेस जो है वो मैं देखता नहीं हूँ, तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आज इतने लोगों ने लाइव मुझे देखा, हो सकता है कि फ्यूचर में मेरे फेसबुक पेज पर इतने लोग लाइव हो जाएं। और मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पर भी जो है वो अवेलेबल रहता हूँ, अरे स्माइली फेस गुड ब्रो, तो यूट्यूब के चैनल पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्त, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी जानकारी हैं जो मैं आप लोगों को यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, खैर स्नैपचैट ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए देते ही रहता हूँ। तो आप इन सभी जगहों पर जाकर पवन ओझा टैग सर्च मार सकते हैं और आपको जो है वो मैं हर जगह पे मिल जाऊंगा, आपसे डायरेक्ट चैट भी कर सकता हूं। अगर आप मुझे व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, मैं कमेंट पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन रहेगी कि व्हाट्सएप पर अगर आपके कोई भी अनवांटेड मैसेजेस जो मुझे नहीं पसंद हो तो मैं आपको तुरंत ही ब्लॉक कर सकता हूँ यूट्यूब। तो हाँ सूर्यकांत प्रधान, सूर्य जी आपका इतना लंबा नाम है यार, नाम थोड़ा छोटा कर लो। तो गोविंद बरेट, अरे बधाई हो, आप भी आ गए प्रभु। तो YouTube के बारे में क्या बताऊं दोस्त, खाली YouTube लिख देने से थोड़ी होगा, YouTube के बारे में जानना क्या चाहते हैं ये बताओ, क्या आप पूछना चाहते हैं कि YouTube पे कितना दिन हो गया, या YouTube आपने किस लिए स्टार्ट किया, या फिर YouTube का चैनल कैसे बनाते हैं, YouTube पर क्या होता है, YouTube पे सब्सक्रिप्शन कैसे करते हैं, आखिर आप जानना क्या चाहते हैं यूट्यूब के बारे में, वो तो कमेंट कीजिए, सिर्फ टॉपिक डालने से कुछ नहीं होगा।
आप YouTube के बारे में जानना क्या चाहते हैं ये बताइए। YouTube एक बहुत ही बड़ा समुद्र है जिसके अंदर आप गहराई में जाते जाए तो आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो मिलती जाएंगी, क्योंकि YouTube पर मिलियंस ऑफ आपका आईडी, मेरा आईडी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो आप YouTube पर जाइए और YouTube पर जाने के बाद आप सर्च कीजिए पवन ओझा टेक, और पवन ओझा टेक सर्च करने पर आपको मेरा लोगो दिखाई देगा, और उसके बाद आपको कुछ वीडियोस दिखाई देंगे। उसमें लगभग 42 सब्सक्राइबर हैं, 42 सब्सक्राइबर के साथ साथ में भी 40+ वीडियोस हैं। तो वही जो आईडी आपको दिखाई देगा वो मेरा आईडी होगा। अगर पवन ओझा टेक के अलावा अगर आपको पवन ओझा या फिर पवन ओझा का कोई और यूट्यूब चैनल दिखेगा तो उसे बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिए, क्योंकि उस चैनल को मैं हैंडल नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ पवन ओझा टेक चैनल को हैंडल करता हूँ। उसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम भी यूज़ करते हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक सेम है पवन ओझा टेक, हर जगह का लिंक सेम है, यहाँ तक कि मैं लिंक्डइन पर भी पवन ओझा टेक के नाम से यूज़ करता हूँ, तो आप वहाँ भी मुझे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और क्या जानना चाहते हो सूर्यकांत भाई, ये काफ़ी हो जो कमेंट कर करके जवाब दे रहे हो, जल्दी से अपना कोई और अलग सा क्वेश्चन कमेंट करो। थैंक यू सो मच। और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई और जो है वो भी अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या कुछ भी चीज़ें हैं तो उनसे कमेंट कर दीजिए, मैं सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। तो आज आप लोगों से चैट करके बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हो सकता है कि भविष्य में कुछ बड़े यूट्यूबर्स की तरह मीटअप प्लान करूँ और आप लोगों से गेट टुगेदर डायरेक्ट करूँ। लेकिन भाई सूर्यकांत प्रधान, सूर्य जी आप इतने मेहरबान हैं मुझ पर, तो एक मेहरबानी और कर दीजिए कि अपने सारे फ्रेंड्स को मेरा यूट्यूब का लिंक मैं आपको मैसेंजर पर मैसेज कर दूंगा, तो आप उन लिंक्स को उन्हें शेयर करके ज़रूर बोलिए कि मेरा यूट्यूब का चैनल जो है सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाइए। सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छे जो है प्लान्स करूँगा कि आप लोगों को कुछ नए नए गिव अवेज दूँ और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें और नए नए गिफ्ट्स जो है वो आप लोगों को दूं, ताकि आप लोग मेरे साथ जो है वो जुड़े रहें और कंटिन्यू आप लोगों से इंट्रैक्शन होती रहे। 100 सब्सक्राइबर पर तो नहीं, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पर कुछ ना कुछ गिव अवेज जो है वो मेरे तरफ से आप लोगों के लिए होगा, तो जल्दी से जल्दी मेरा जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा और इन फ्रंट ऑफ मी देयर इज़ एग्ज़ाम, तो हालांकि पढ़ाई कर नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को कुछ वीडियोस ना दे पाऊँ या यूट्यूब फेसबुक सोशल नेटवर्किंग से थोड़ा दूर रहूँ, थोड़ा ज़्यादा तो रह नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आते रहूँ। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड पर हैं, लेकिन उस चीज़ों को करने के लिए मेरे पास सपोर्टर्स की कमी है, तो आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए और गिफ्ट्स पाइए। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी के लाइव सेशंस के लिए और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मुझे फेसबुक पेज पर भी जाकर लाइक कर लें, फेसबुक पेज का भी लिंक सेम है पवन ओझा टेक, सर्च मारने पर मैं मिल जाऊंगा, तो आप मुझे लाइक ज़रूर कर लीजिए।
तो चलिए, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट, फियरलेस नाइट, जो भी चीज़ें हैं, गुड नाइट।